हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल हारमोनियम गुरु। दिस इज़ गुरप्रीत सिंह। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे थाट काफ़ी के बारे में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि थाट काफ़ी में कौन से ऐसे राग आते हैं और कौन से हमारे जो फिल्मी गीत आते हैं उन रागों में आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे थाट काफ़ी, ठीक है। तो थाट काफ़ी एक हमारा बहुत ही पॉपुलर थाट है और इसमें आपको बहुत सारे राग मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इसका आरोह देखते हैं। इस राग की जो मेन करेक्टरिस्टिक यानी कि जो इसकी पहचान है, इसमें गा कोमल का प्रयोग होता है और नी कोमल का प्रयोग होता है और बाकी के जो सारे स्वर शुद्ध होते हैं। देखिए, इसका जो आरोह है सा, शुद्ध रे, कोमल गा, मा, पा, शुद्ध धा, कोमल नी और तार सप्तक का सा, ये इसकी आरोह है। अभी इसका अवरोह देख लीजिए। इसका अवरोह है सा, कोमल नी, धा, पा, मा, गा कोमल, रे, सा, ये इसका आरोह और अवरोह है। और इसका जो वादी स्वर है, वादी स्वर का मतलब होता है कि जो सबसे ज़्यादा जिस स्वर पे होल्ड लिया जाता है, जिस पे ठहराव लिया जाता है, वो है पा स्वर। और समवादी स्वर है इसका सा, ठीक है, जो इससे कम जाने की होल्ड लिया जाता है। तो अभी पहले हम इसको आरोह और अवरोह देखते हैं पहली काली स्वर। तो बताना चाहूँगा इसमें सिर्फ दो ही स्वर कोमल लग रहे हैं, गा और नी कोमल लग रहे हैं, बाकी सारे स्वर शुद्ध है। तो चलिए अब इसको देखते हैं पहली काली स्वर। ये आपका सा है, शुद्ध रे, कोमल गा, मा, पा, शुद्ध धा, कोमल नी और तार सप्तक का सा। तो यहाँ से देखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है, ये आपका आरोह है। सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है, ये आपका थाट काफी। अभी इस थाट काफी के हम मेन राग, जो सबसे इम्पोर्टेंट राग है, जो थाट काफी का जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट राग है, वो है राग काफी। इसका आरोह अवरोह सेम ही है, सा, शुद्ध रे, कोमल गा, मा, पा, धा, कोमल नी और तार सप्तक का सा। और इसका अवरोह कैसे, सा, कोमल नी, धा, पा, मा, कोमल गा, रे, सा, जैसे कि मैंने अभी आपको बजा के दिखाया थाट काफी, तो बिल्कुल सेम ही है और राग काफी। अभी इस राग में आपको बहुत सारे गाने मिलेंगे। हमारे एक बहुत ही पॉपुलर भजन है ऐसी लागी लगन, और फिर एक जो हमारा बहुत ही पॉपुलर गज़ल भी है गुलाम अली साहब की, चुपके चुपके रात दिन, वो भी आपकी थाट काफी में, राग काफी में बोल सकते हैं आप। फिर आपको एक बहुत ही पॉपुलर फिल्मी गीत मिलेगा, कस्मे वादे प्यार वफा सब, तो वो भी आपका इसी राग पर आधारित है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट राग है राग काफी। और उसके बाद जो दूसरा राग है राग शिवरंजनी, शिव रंजनी, ठीक है। अभी इस राग में क्या है, इस राग का आरोह में लगेंगे पांच स्वर, और इसके जो स्वर हैं सा, रे, गा, पा, धा, सा, और राग गा रहेगा कोमल, इसका आरोह। अभी अवरोह देख लीजिए, अवरोह कैसा है इसका, सा, धा, पा, कोमल गा, रे, सा, ये आपको मैं बजा के दिखाता हूँ राग शिवरंजनी। देखिए पहली काली से, सा रे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा, एक बार दोबारा देखिए, सा रे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा। अभी आपने एक चीज देखी, मैंने आपको क्या कहा था शुरुआत में कि ये इस राग की जो खासियत है कि इसमें दो स्वर कोमल लगे, गा और नी कोमल। अभी आप देख लीजिए शिवरंजनी में भी गा कोमल यूज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे काफी राग काफी में देखिए गा और नी दोनों कोमल लग रहे हैं, और बाकी स्वर देख लीजिए सारे ही शुद्ध है, ये इस राग की खासियत है। अभी राग शिवरंजनी में आपको जो बहुत सारे गाने मिलेंगे, जैसे कि हमारा जीता हूँ जिसके लिए, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता हूँ, वो भी गाना आपका इसी राग पर है, और जीना यहाँ मरना यहाँ, वो भी आपका इसी राग पर आधारित है। और आपको मिलेंगे बहारों फूल बरसाओ, वो भी आपका राग शिवरंजनी पर है गीत, और फिर मेरे नैना सावन भादो, वो भी आपका राग शिवरंजनी पर आधारित है। फिर अभी जाते हैं मेन आगे वाले राग पे। इसके बाद आपका जो आगे राग आता है, राग है भीम पलासी, ये आपका तीसरा मेन राग है इस थाट का, थाट काफी का। इसके आरोह में आपका लगेगा मंदर सप्तक का कोमल नी, फिर सा, कोमल गा, मा, पा, नी,
कोमल और सा, और इसका अवरोह है सा नी धा पा मा कोमल का रे सा, ये इसका आरोह है। अभी देख लीजिए इसके आरोह में क्या है कि आपका शुरू होगा नी से, ठीक है। अभी देखिए इसका आरोह कैसे, नी सा गा मा पा नी सा, ये है इसका आरोह। देखिए नी सा गा मा पा नी सा, अवरोह सा नी धा पा मा गा रे सा, नी सा गा मा पा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इसमें आपका बहुत ही पॉपुलर गीत है जैसे नैनों में भद्रा जाए, वो आपका इसी राग पर आधारित है। तो अभी अगला राग देखते हैं, अगला राग है आपका पीलू राग। इस राग में भी आपने देखा कि गा और नी कोमल ही लग रहा है, ठीक है। तो ये थाट काफी के राग हैं, इसलिए इनमें गा और नी कोमल लग रहा है, बाकी सारे शुद्ध स्वर लग रहे हैं। उसके बाद अपना अगला राग है पीलू राग। पीलू राग में क्या है, देखिए सा कोमल गा मा पा कोमल नी और तार सप्तक का सा, ये इसका आरोह है। अभी अवरोह कैसे है, सा कोमल नी धा पा मा कोमल गा रे सा, यहाँ पे भी आप देखिए गा और नी कोमल लग रहे हैं, ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा नहीं नोट लग रहा है इसमें, देखिए अभी इसको देखते हैं। सा ग म प नी सा, सा नी ध प म ग रे सा, सा ग म प नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। इस राग में आपको बहुत ही पॉपुलर हमारा गीत है ऐ मेरी जोहरा जबी, वैसा वो गीत आपका इसी राग पर आधारित है। और भी बहुत सारे गाने हैं इस राग पर आधारित, राग पीलू पर। अभी हमारा एक मेन राग बचा है, ठीक है, वो है हमारा भाग्यश्री। राग भाग्यश्री, तो ये भी जो राग है आपका थाट काफी पर आधारित है। इस राग का आरोह है सा गा मा धा नी सा, गा और नी कॉमन रहेंगे, और इसका अवरोह है सा कोमल नी धा मा गा सा, बस ये इसका आरोह और अवरोह, ठीक है। देख लीजिए पहली काली से देखिए, सा ग म ध नी सा, सा सा नी ध म ग सा, ठीक है। तो यह है राग भाग्यश्री आपका, ये पांच मेन राग हैं। सबसे पहला राग है आपका काफी राग, दूसरा राग है शिवरंजनी राग, और तीसरा जो राग है आपका भीमपलासी, और चौथा है पीलू, और पांचवा है भाग्यश्री। तो ये पांचों राग आपके मेन राग हैं जो कि थाट शिवरंजनी पर आधारित है। इन पांचों रागों में आप तैयारी कर सकते हैं, इनके आरोह अवरोह मैंने आपको बता दिए। तैयारी कैसे करने, आपको खाली आरोह अवरोह बजाना और इनके गाने बजाने। अगर आपको ये जानना है कि इन रागों में कौन से गाने आते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप देखिए राग सेक्शन है, रागा में आपको वहाँ पे ये सारे राग मिल जाएंगे, उन रागों के फिर आपको गाने भी मिल जाएंगे। आप जाके देखिए वहाँ पे हमारी वेबसाइट पे www.harmoniumguru.in, वहाँ पे फिर जाइए राग सेक्शन में, राग सेक्शन में आप सर्च करिए राग काफ़ी, फिर आपको राग काफ़ी का आरोह अवरोह पकड़ सब कुछ मिलेगा, फिर उसके गाने मिलेंगे जो कि राग काफ़ी में। फिर आप राग शिवरंजनी में जाइए, राग शिवरंजनी का आरोह अवरोह पकड़ मिलेगा वहाँ पे, फिर राग शिवरंजनी में जितने भी दुनिया जहान के गाने आपको राग शिवरंजनी में पता चल जाएंगे कहाँ पे, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर ऐसे ही आप इन रागों को भी वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन रागों को तैयार कर सकते हैं, इन रागों के फिल्मी गीत तैयार कर सकते हैं, और जान सकते हैं कि आप कौन से जो फिल्मी गीत हैं आपके इन राग पर आधारित हैं। तो एक छोटी सी कोशिश थी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। तो देखिए राग तैयार करने का सिर्फ एक यही तरीका कि पहले आप इनका आरोह और अवरोह अच्छे से तैयार करें। आरोह और अवरोह तैयार करने के बाद फिर रागों के जो गीत हैं, जो फिल्मी गीत हैं, जब जो फिल्मी भजन, उन को तैयार करें। फिर ऐसे दूसरा राग पकड़े, जैसे मान के चलिए पीलू है, तो पीलू के गाने आप ढूंढें कि पीलू राग पीलू में कौन से गाने आते हैं, फिर आप उनको प्रैक्टिस करें। तो इस तरीके से आप राग काफ़ी के जितने भी थाट काफ़ी के जितने भी राग हैं उनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिस तरीके से आप इन सभी रागों के बारे में जान सकते हैं कि कौन से जो थाट पीलू में आते हैं। तो देखिए मुख्य जो पहचान है यही है कि जो थाट काफ़ी उसमें गा और नी कोमल यूज़ होता है, और बाकी के जो उसके राग भी होंगे जो थाट काफ़ी में आएंगे उनमें भी ये
ये दो स्वर आपको मिले ही मिलेंगे, या तो उसमें गा कोमल होगा या तो नी कोमल होगा। अब देखिए यहाँ पे शिवरंजनी में खाली गा कोमल है, नी यहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं किया, तो मुख पहचान यही है गा और नी कोमल रहेगा थाट काफी में। और जो थाट काफी के जितने भी राग हैं उनमें भी आपको दो मुख पहचान मिलेगी मिलेगी। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। धन्यवाद।